ये हैं YouTube के नए CEO, नाम है इनका नीलमोहन। और जब से ये खबर आई है पूरे हिंदुस्तान को नीलमोहन पर गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि नीलमोहन भारतीय अमेरिकी नागरिक यानी कि इंडो अमेरिकन है। पर YouTube के नए CEO नीलमोहन को यूपी से जो प्यार मिल रहा है उसे बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है यूट्यूब के नए CEO नीलमोहन का यूपी से कनेक्शन। आज के वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीलमोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाए जाने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ के लोग काफी खुश हैं, और इसकी वजह है नीलमोहन का लखनऊ से जुड़ाव होना। दरअसल नीलमोहन का जन्म ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी में उनका घर था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल से की थी, और अब जब शहर का कोई ऐसा व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंचता है तो खुशियां दिखना और खुश होना बहुत लाजमी है। ट्विटर पर नीलमोहन को जानने वाले लखनऊ के उनके दोस्तों ने काफी ट्वीट किए हैं। नीलमोहन के दोस्त और ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस से जुड़े शांतनु कुमार बताते हैं कि साल 1985 में 7th क्लास में एक नया स्टूडेंट आया था जिसे बिल्कुल भी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। ये स्टूडेंट कोई और नहीं था बल्कि नीलमोहन थे, जिन्हें अभी यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने हिंदी बोलना सीख लिया था, और उनके दोस्तों का कहना है कि नीलमोहन का अधिकतर समय लाइब्रेरी में ही बीता था। नीलमोहन की क्लास 9th की टीचर निशी पांडे का कहना है कि नीलमोहन एक होनहार छात्र थे, और इंटरमीडिएट के बाद नीलमोहन आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। आपको बता दें कि नीलमोहन को दुनिया गूगल के 100 मिलियन डॉलर मैन के नाम से भी जानती है, क्योंकि गूगल ने 100 मिलियन डॉलर का बोनस देकर इन्हें रोका था। यूट्यूब के CEO बनने से पहले नीलमोहन इस कंपनी में बतौर चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स, जो हम आप आजकल यूट्यूब पर खूब देखते हैं, वो नीलमोहन की ही देन है। नीलमोहन ने यूट्यूब के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और बायोटेक जैसी कंपनियों में भी काम किया है। भारतीय अमेरिकी नागरिक नीलमोहन की इस उपलब्धि पर आप कितने खुश हैं या आप इसे कैसे देखते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।